हम लोगों ने मणिपुर के लिए, जो मणिपुर में आज स्थिति है, उसके लिए हम लोगों ने, पार्टी ने आज एक रेजोल्यूशन लिया, और इस रेजोल्यूशन में हम लोगों ने शांति के लिए, पीस के लिए, हम लोगों ने वहाँ पे एक हमारे रेजोल्यूशन में हम लोगों ने इसको टेकअप किया है. वी हैव रिक्वेस्टेड दैट पीस शुड प्रिवेल, एंड वी हैव ऑल्सो रिजॉल्व्ड दैट वी विल रीच आउट एज मच एज पॉसिबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज एंड डिफरेंट एरियाज, सो दैट वी आर एबल टू ब्रिंग बैक पीस इन मणिपुर. एंड वी ऑल्सो रिजॉल्व्ड दैट एज अ पोलिटिकल पार्टी we will do whatever possible from our side to help in ensuring that peace comes back and also help in the overall humanitarian works that are going on in terms of all the difficulties that people are facing. Our party leaders and our workers are working tirelessly to ensure that we are able to help and support the people of Manipur in these difficult times. Jo bhi situation abhi hua hai, ye bahut unfortunate situation hai. और ये एक ऐसा सिचुएशन है जैसे हम चाहेंगे कि इसे हम लोग जितनी जल्दी हो सके इसको रिजॉल्व करें. तो हम लोगों ने काफ़ी लेवल्स पर, अलग अलग लेवल्स पर हम लोगों ने सबसे बातचीत की है, और हमने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें शांति लानी चाहिए वापस. और अलग अलग इश्यूज़ कम्युनिटीज़ के हैं, अब डिटेल में मैं कहना नहीं चाहता वो क्या क्या इश्यूज़ है, लेकिन अगर उस पर सही कदम उठाया जाए, उसमें बातचीत अगर हो, और अगर अलग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अगर हम लोग ले, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग वो इश्यूज़ को ओवरकम कर सकते हैं. लेकिन इसमें भारत सरकार की तरफ से भी, स्टेट लेवल से भी काफ़ी काम करना पड़ेगा, तो हमारी बातचीत उसमें भी जारी है.